हेलो दोस्तों, एडजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्व कर्मचारी में अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहें और पूरी वीडियो आप जरूर देखें। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि माननीय रामसूरत राय जी, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, इनका क्या बयान आया है। और फ्रेंड्स, साथ में यही भी बात करेंगे कि जो है राजस्व कर्मचारी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये अपडेट आप देख सकते हैं कि बदल सकता राजस्व कर्मचारी अमीन का संवर्ग। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है एक दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि राजस्व कर्मचारी का जो है बहाली 3-3 साल में जो है उनका मतलब तबादले होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे 3-3 साल में, ताकि इससे क्या होगा कि अपने कार्य को वो सही तरह से कर पाएंगे। क्योंकि एक ही जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजस्व कर्मचारी ऐसे हैं कि एक ही जगह जो है 8 वर्षों से 10 वर्षों से हैं, और वो वहां से सारी चीजों को समझ करके जो है अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जिस कारण से ऐसा फैसला लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा फैसला लेने के बाद जो है इनके नियम को, इन्होंने जो नियम बनाए थे 3 साल में ट्रांसफर का, उस नियम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। जिसके कारण से जो है क्या हुआ कि जो मंत्री है रामसूरत राय जी, इन पर जो है थोड़ा सा ये नाराज हो गए हैं इस बात को लेकर। उसके बाद अखबार में आज भी छपे थे इनके बारे में जो है कुछ चीजें। यहाँ से देख सकते हैं क्या कहना था इनका। बहुत संभव है कि राजस्व कर्मचारी और अमीन फिर से जिला स्तरीय संवर में आ जाए। इस साल 13 मई को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन दोनों कर्मियों के लिए राज्य स्तरीय संवर का गठन किया था। अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर पहले से बहाल कर्मी अपने आप राज्य स्तरीय संवर के अंग बन गए हैं। नई बहाली भी राज्य स्तरीय संवर के तहत होनी है। इस बीच विभाग में यह विचार भी शुरू हो गया है, क्योंकि क्यों नहीं पुराने जिला स्तरीय समर को फिर से जीवित कर दिया जाए। नए समर गठन कैबिनेट की मंजूरी से हुआ था। उस अधिसूचना को रद्द कर पुराने जिला स्तरीय समर की वापसी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि विभाग में प्रस्ताव का प्रारूप तैयार हो रहा है। विभागीय मंत्री और शीर्ष अधिकारी की मंजूरी मिली तो प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सारी चीज़ों को जो है रद्द कर दिया गया है, और रद्द करके जो है जिस तरह पहले से चले आ रहा था, मतलब वही चीज जो है फिर से लागू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर कमेंट करके बताएं, जिसका भी राजस्व कर्मचारी में सिलेक्शन हुआ, ये आपके लिए सही हुआ या गलत, इनका जो फैसला था, क्योंकि इनके नियमों को जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रद्द कर दिए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पहले से बहाली प्रक्रिया थी, जो भी चल रहा था वही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात रहती कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब तक होगी। आपको पता है फ्रेंड्स कि इस महीने के अंत तक सभी प्रक्रियाएं धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन रामसूरत राय जी थोड़ा सा अभी नाराज चल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या इस बहाली पर कोई असर पड़ेगा, इस राजस्व कर्मचारी के बहाली पर? तो फ्रेंड्स, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपना मामला है। हालांकि जिस छात्रों का ज्वाइनिंग होना है, ये जुलाई के लास्ट में नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में सभी छात्रों का जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, और आपका ज्वाइनिंग सभी विभागों में अलग अलग तरीके से होने लगेंगे। तो इस बात को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी बात इसका चल रहा है, तो आपने देखा होगा न्यूज पर। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। बस अगस्त फर्स्ट वीक आप इंतजार करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।